सो ही गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो एंड ओवर। तो गाइस मास्टरली मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग हमें वही मैजिक एकेडमी को दिखाया जाता है। इस मैजिक एकेडमी में कई सारे बड़े बड़े जादूगर पढ़ के निकले हुए हैं। तो गाइस इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही टफ होने वाला है। इस टाइम मैजिक एकेडमी में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा जो लोग मैजिक यूज करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। फिर हमें इस एग्जाम का इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जो विंडो से सारे बच्चों को देख रहा होता है। फिर हम लॉर्ड लुची होता है, वो देखते सारे बड़े बड़े घर के बच्चे इस टाइम मैजिक एकेडमी एडमिशन लेने के लिए आए हुए होते हैं। लॉर्ड लुची होता है इस टाइम मैजिक में से उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होंगे मैजिक यूज करने में। तभी लॉर्ड लुची की नजर मैच के ऊपर जाती है जो बहुत जोर से वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है। लॉर्ड लुची मैच को देखकर शॉक हो जाता है, आखिर क्या कर रहा है, ये तो मैजिक स्कूल है यहाँ पे मैजिक सिखाया जाता है, ये वेट लिफ्टिंग क्यों कर रहा है। फिर वो देखता है मैच एक इनविजिबल चेयर पे बैठकर बॉडी बिल्डिंग की बुक को पढ़ रहा होता है। लॉर्ड लुची ये देखकर बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाता है, आखिर कर क्या रहा है। फिर उसकी नजर पीछे वाले दो लोगों पे जाती है, वो देखती है अरे दो बुड्ढे लोग कौन है आखिर। फिर बाद में पता चलता है तो ब्रैड और रेग्रो होते हैं जो मैच के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। ब्रैड बोलता है मैंने मैच के ऊपर जो निशान बनाया है बिल्कुल वो असली जैसा ही लग रहा है। फिर मैच बोलता है आखिर इम्तिहान क्या होता है, लेकिन जो भी हो मुझे कैसे भी करके पास होना है। वहाँ पे वो लॉर्ड लुची आ जाता है, वो बोलता है आज की इम्तिहान मेरी देखरेख में होगा। फिर सब वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम लॉर्ड लुची है, नाम तो सुना ही होगा। फिर सारे बच्चे लॉर्ड लुची को देखकर सो हो जाते हैं, ये तो लॉर्ड लुची है जिसने बचपन में ही बहुत सारे अचीवमेंट हासिल कर लिए, इसने बहुत बड़े बड़े मैजिक स्पेल को अपने हासिल कर लिया था। लॉर्ड लुची अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। मैच भी बोलता है आखिर इस तरह से आग से निकल कर आने में बहुत ही गर्मी लगी होगी। फिर लॉर्ड लुची बोलता है तुझे तो मैं पक्का फेल करूंगा। लॉर्ड लुची सारे बच्चों से बोलता है तुम्हारा पहला इम्तिहान शुरू होता है, तुम सब बच्चे अब बैठ जाओ। फिर सारे बच्चे शौक हो जाते हैं कि बैठना कहाँ पे है। लॉर्ड लुची फिर अपने मैचिंग की वजह से सीट्स और पेपर को ले आता है। फिर मैच बोलता है इसकी क्या जरूरत है, कमरा खाली था वहीं पर ले जाते हैं। लॉर्ड लुची बोलता है इस इम्तिहान में से 3% बच्चे ही पास हो पाएंगे, ये जैसे आलसी का पास होने का तो कोई गारंटी नहीं है। हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे पेपर दे रहे होते हैं। फिर बच्चा पेपर को देख के बोलता है इस पेपर में तो सारे सवाल घूम रहे हैं, आखिर इस पेपर को पूरा कैसे करेंगे। लॉर्ड लुची बोलता है मैंने अपने जादू की मदद से इस पेपर को बहुत ज्यादा टफ बना दिया है। फिर हमें मैथ्स को दिखाया जाता है जिसका टेस्ट पेपर को देख के बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाता है। फिर मैथ्स बोलता है तुम जरा हिलना बंद करोगे, स्टेक को तोड़ देता है। फिर बोलता है हिलना बंद करो, सारे सवाल रुक जाते हैं। फिर मैं लॉर्ड लुची के पास जाकर बोलता है मैं देखो मैंने पूरा कर लिया। फिर लॉर्ड लुची बोलता है ये तो वही लड़का है, या आखिर इसने पेपर को पूरा कैसे कर लिया। फिर वो बोलता है इसने तो कोई गलती भी नहीं की है। फिर हमें दिखाया जाता है मैं से एक पत्थर को अपने हाथ की मदद से उठा रहा होता है, सबको लगता है वो मैं जादू की छड़ी से उसे उठा रहा होता है। फिर हमें मैं इसको पानी में दौड़ते हुए दिखाया जाता है, सारे बच्चे मैथ की पावर देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर लॉर्ड लुची बोलता है इसके जैसा काम चुरा के यहाँ पे टिक कैसे गया, वो तो तुम्हें एक तरह से मेरी इंसल्ट ही कर रहा है। लॉर्ड लुची बोलता है मुझे पता है आखिर मुझे क्या करना है। लॉर्ड लुची बोलता है अगले इम्तिहान के तैयार हो जाओ। फिर सारे बच्चे बोलते हैं ये समी तो फिर से हिल रही है। फिर सारे बच्चे वो देखते हैं, फिर एक मेज बन के तैयार हो जाता है। फिर लॉर्ड लुची बोलता है इस बार तुम्हें इस भूलभुलैया से बाहर निकलना होगा, इसे आसान समझते हैं कि बिल्कुल भी गलती मत करना क्योंकि इसमें हमें तरह तरह के जाल बिछाए हुए हैं, हर बस 30 मिनट है, तुम्हें टाइम के अंदर भूलभुलैया से बाहर निकलना है। फिर हमें मैच को दिखाया जाता है जो भूल भुलैया में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। फिर उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लेमन होता है। फिर लेमन मैच से बोलती है हम दोनों अगर साथ में भूल भुलैया से बाहर निकले तो जल्दी निकल जाएंगे। मैच बोलता है तुम्हारी बात में दम तो है। फिर अगली सीन में दिखाया जाता है मैच और लेमन एक साथ जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लेमन एक पत्थर से टकरा कर गिर जाती है, ऐसे ही वो तरह तरह के ट्रैप में फंसती रहती है। मैच लेमन से बोलता है तुमने बोला था साथ में चलेंगे तो काम आसान होगा, ये क्या है। उसको बच्चों को चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। मैच वहाँ पे जाके देखता है तो लेकिन लेमन अपनी मैजिक की मदद से मैच को बांध देती है। मैच बोलता है आखिर ये सब क्या है। लेमन बोलती है मुझे माफ करना मैं तुम्हें धोखा दे रही थी, किसी खास वजह से मुझे तुम्हें मंजिल से दूर रखना था। मैच बोलता है कौन सी वजह। फिर मैच खड़ा हो जाता है। लेमन मैच से बोलती है कोई फायदा नहीं, इंसानी ताकत इसे नहीं तोड़ सकती है, सोचता है तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा बोलकर मैच वो लॉक को तोड़ देता है। मैच बोलता है मेरी भी कोई खास वजह है, ऐसा बोलकर मैच वो लॉक को तोड़ कर वहाँ से फुल स्पीड से चला जाता है। लेमन बोलती है मुझे मैच को किसी भी हालत में मंजिल से दूर रखना होगा। तभी वहाँ पे मम्मी मॉन्स्टर आ जाता है जो लेमन से पहली पूछ रहा होता है। लेमन इस मम्मी मॉन्स्टर को देख के डर जाती है। लेमन बोलती है ये तो एक इम्तिहान है, मैं अपना जादू की स्टिक का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन वो मम्मी मॉन्स्टर लेमन की स्टिक को दूर फेंक दे। लेमन बोलती है इस पहेली का जवाब तो मुझे मिल नहीं रहा है, आखिर अब मैं क्या करूंगी, कोई मुझे बचाओ आगे। फिर वो मम्मी मॉन्स्टर लेमन पे हमला कर देता है। लेमन सोचती है ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आज तक में सबको धोखा देते आई हूँ। लेमन बोलती है मशरूम बाल वाले मुझे माफ कर देना। फिर वो मम्मी मॉन्स्टर लेमन पे हमला करने वाले होते तभी वहाँ पे मैस आ जाता है
और वो वहाँ पे मैस आ जाता है जो मम्मी मॉन्स्टर को मुक्का मार के नीचे फेंक देता है। लेमन मैस से बोलते हैं तब खुद की परवाह ना करते हुए मुझे बचाने के लिए आए। फिर मैस बोलते हैं अगर हम दोनों की राह एक जैसे होते तो मुझे सच में तुम पे तरस आ रहा होता। लेमन मैस से बोलते हैं मुझे लगता है हम टाइम पर इस बुलबुले से बाहर निकल पाएंगे। फिर लेमन मैस से बोलते हैं मुझे लगता है हम टाइम पर इस बुलबुले से निकल पाएंगे। फिर टुलसी हंसते हुए बोलता है टाइम तो लगभग खत्म हो चुका है, बहुत सारे मॉन्स्टर है उसे रोकने में लगे हुए हैं, आखिर वो बाहर कब कैसे निकलेगा। फिर वो सारे बच्चे उकलोलुची देख कर शौक हो जाते हैं आखिर भूकंप कहाँ से आ रहा होता है। फिर वो सारे बच्चे उकलोलुची देखता है ये तो मैस है जो सारी दीवारों को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। सारे बच्चे बोलते हैं ये तो रूल तोड़ा है, ये तो नियमों के खिलाफ है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो सारे बच्चे मैस से बोलते हैं घर वापस जाओ, तुम हम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। फिर मैस बोलता है मुझे घर जाना है। फिर उकलोलुची मैस के ऊपर चिल्ला रहा होता है। उकलोलुची बोलता है ये तुम्हें घोड़े में खोला था, ये तुमने क्या कर दिया। फिर लेमन ये सब देखकर बोलती है ये सब मेरी गलती थी, मैस की कोई भी गलती नहीं थी, ये सारी गलती मेरी थी। उकलोलुची लेमन पर चिल्लाते हुए बोलता है बस चुप कर लड़की, अगर ज्यादा कुछ बोली तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। फिर लेमन सबसे बोलती है मैं जानबूझ के इसके रास्ते में आ रही थी, उकलोलुची के कहने पर किया है। लेमन सबसे बोलती है अगर मैं उकलोलुची का काम किया तो उकलोलुची मुझे पास कर देंगे, लेकिन इसने मेरी गलती के बावजूद भी मुझे बचाया। लेमन सबसे बोलती है मैस ने मुझे बचाते हुए कहा था क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैस बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फिर लेमन बोलती है ये सब छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल चुका है। उकलोलुची बोलता है मैं एक एग्जामिनर हूं, अगर कोई बच्चा मुझे पसंद ना हो उसे फेल करने में क्या दिक्कत है। उकलोलुची मैस और लेमन को फेल करने वाला होता है। फिर उकलोलुची बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे फैसले को चुनौती दे सकते हो, अगर है हिम्मत है तो बताओ। मैस उकलोलुची की स्टिक को तोड़ देता है और फिर वो बोलता है अब ये कुछ ज्यादा हो गया है प्रोफेसर। उकलोलुची मैस पर गुस्सा होकर बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी वहाँ पे हेडमास्टर आ जाते हैं, सारे बच्चे हेडमास्टर को देख कर शौक हो जाते हैं ये तो हेडमास्टर है। फिर वो हेडमास्टर बोलते हैं अब से इम्तिहान की जिम्मेदारी अब मेरी है। फिर हेडमास्टर उकलोलुची से बोलते हैं इम्तिहान की बात तो मुझे मेरे ऑफिस में मिलोगे। फिर हेडमास्टर बोलते हैं पहले स्टूडेंट से इम्तिहान को शुरू करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मैस अंदर पहुंच जाता है, हेडमास्टर मैस से बोलते हैं अब हम हेडमास्टर मैस से बोलते हैं अब हम इम्तिहान का फाइनल इंटरव्यू शुरू करते हैं। मैस बोलता है मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। हेडमास्टर मैस से पूछते हैं तुमने इस बोल वगैरह में उस लड़की को आखिर क्यों बचाया था। फिर मैस बोलता है अगर मैं नहीं बचाता तो मुझे पछतावा होता। फिर हेडमास्टर मैस से बोलते हैं तुम्हें शायद एक ऐसे इंसान हो ज्यादा सोचने में बिलीव नहीं करता, तुम्हें नहीं लगता अगर इस मॉन्स्टर से तुमने फाइट किया था वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था या फिर वो दीवार तुमसे टूटती ही नहीं। फिर मैस बोलता है सोचना क्या फिर तो करना ही पड़ता। हेडमास्टर मैस से बोलते हैं शायद तुम हमारी दुनिया के तौर सीख नहीं पाए हो। हेडमास्टर बोलते हैं अगर तुम्हारे सामने मुझे ऐसा कोई पावरफुल इंसान आ जाए तो फिर तुम क्या करोगे। फिर हेडमास्टर की पावर से वहाँ पे एक क्रिएचर आ जाता है जिसपे एक नीडल भी लगा हुआ होता है। वहाँ पे एक प्रोफेसर बोलता है ऐसी पावर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। मैस बोलता है आखिर ये सब है क्या। हेडमास्टर मैस को समझाते हैं ये प्राचीन मंत्र है, तुम्हारे पास के सबसे चहेते इंसान की शरीर की आत्मा डॉल के अंदर चली जाएगी। फिर हेडमास्टर मैस से बोलते हैं ये मत समझदार खेल यहीं पे खत्म हो गया है। वो नीडल डॉल के अंदर लग जाती है तो वो आज इंसान की आत्मा कभी भी वापस नहीं आ सकती है। फिर मैस उस नीडल को मुक्का मार देता है, मैस देखता है उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर हेडमास्टर मैस पर हंसते हुए बोलते हैं मैं तुमसे ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा ताकत पर हूं, ऐसी सिचुएशन अब तुम क्या करोगे। फिर वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, मैस उस नीडल को अपने हाथों से रोक लेता है। हेडमास्टर देख के शॉक हो जाते हैं आखिर इसने कैसे किया। फिर मैस हेडमास्टर से बोलता है इतनी बड़ी चीज को हमेशा काबू में नहीं रह सकते हो, ये सहन शक्ति का मुकाबला है ना। हेडमास्टर बोलते हैं शक्ति मदद भी करती है और नुकसान भी करती है, वो उस पर डिपेंड करता है वो क्या करेगा। हेडमास्टर बोलते हैं पावरफुल इंसान को हमेशा कमजोर की रक्षा करनी चाहिए और पावरफुल इंसान को हमेशा काबू में रहना चाहिए, पावरफुल बनने के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मास्टर मैस से बोलते हैं मुझे माफ करना मैस, मैं तुम्हारा बस इम्तिहान ले रहा था, तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मैस बोलते हैं मेरी चिंता मत कर। मैस हेडमास्टर से बोलता है अगर मुझे हेडमास्टर का सामना करना होगा तो मैं क्या करूंगा। बोलता है अगर यहाँ तक बात पहुंची तो मैं आपको अपने मुक्के से धो डालूंगा। ऐसा बोलने के बाद वहाँ के सारे लोग मैस के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं आखिर तुम ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर हेडमास्टर मैस से बोलते हैं स्वागत है तुम्हारा मैस फिस्टन एकेडमी में। में दिखाया जाता है रेगरो की आत्मा वापस आ जाती है। मैं अगले सीन में दिखाया जाता है मैस एक क्लासरूम में बैठा हुआ होता है, सबसे बोलती है तुम्हें अपने मैजिक की मदद से इस ताले को खोलना होगा, अब तुम सब लोग मुझे करके दिखाओ। मैं मैस को दिखाया जाता है तो ताले को मैजिक की वजह अपने हाथ से ही खोल देता है। फिर मैस प्रोफेसर से बोलता है देखो प्रोफेसर मैंने ताले को खोल दिया। फिर प्रोफेसर मैस को चिल्लाती हुई बोलती है तुम एक नंबर के गधे हो, इसे तुम्हें अपने जादू की मदद से खोलना था ये तुमने अपने हाथ से क्यों खोल दिया। मैस प्रोफेसर से बोलता है मैं जादू में इतना अच्छा नहीं हूं, मैंने ऐसे ही खोल दिया। प्रोफेसर बोलते हैं ये जादू ही स्कूल है तो यहाँ पे मैजिक सीखना है तो यहाँ पे आई क्यों। फिर प्रोफेसर मैस से चिल्लाते हुए उसको उल्टा सीधा बोलती रहती है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, बोलता है आखिर इस तरह की लड़की का एडमिशन कैसे हो गया। लड़का बोलता है
चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस लड़की से दूर ही रहना है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपना रूम ढूंढ रहा होता है। वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस लड़की से तो मिलना ही नहीं है। अपने वो रूम पे जाके देखता है आखिर इसका डोर कहाँ चला गया। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे मैच खड़ा हुआ होता है। वो लड़का मैच को देखकर अजीब फेस बना लेता है। फिर अगली सीन में दिखाया जाता है वो लड़का और मैच रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर वो लड़का अपना नाम फिन बताता है। लड़का बोलता है साथ में रहने में मजा आएगा। मैच फिन को अपने मसल्स के नाम बताने लग जाता है। फिर फिन मैच को देखकर शॉक हो जाता है आखिर ये कैसा लड़का है तो अपने मसल्स के नाम रखे हुए। फिर मैच से बोलता है अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बता दो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर मैस फिन से बोलता है ये डिवाइन मिजरी का अवार्ड कैसे मिलता है। फिर मैस को बताता है तुम्हें गोल्डन कॉइन्स और भी बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज से पार्टिसिपेट करना होगा तब जाके तुम डिवाइन मिजरी का अवार्ड जीत पाओ। फिर गोल्ड कॉइन्स को कलेक्ट होने के बावजूद तुम्हारे चार सेमेस्टर में अच्छे नंबर ग्रेड्स नहीं आए तो तुम्हें फेल कर दिया जाए। मैस बोलता है मुझे पहले लगता था लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर फिन बोलता है ये अवार्ड मुझे और बाकी सब लोगों को भी जीतना है। इसको बोलता है मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फिर मैस बोलता है मुझे लगता है तुम सच में बहुत अच्छे इंसान। फिन से बोलता है क्या तुम क्रीप अप खाना चाहोगे। फिर फिन बोलता है ये तुमने कहाँ से निकाला अगर तुम दे रही हो तो मुझे मैं ले लेता हूँ। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है मैच बिना मैजिक के डिवाइन मिस्ट्री का अवार्ड जीत पाएगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।